हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन 26 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने अपने यहाँ भारतीय नौसेना बेस बनाने के प्रस्ताव पर लगी रोक हटा दी है? तो इसमें आंसर आएगा सेशेल्स की संसद ने। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि सेशेल्स की संसद ने अपने यहाँ भारतीय नौसेना बेस बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। यह भारतीय नौसेना बेस अजम्पशन आइलैंड पर बनेगा। अजम्पशन आइलैंड सेशेल की राजधानी विक्टोरिया से 1135 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह 11.6 किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है और इसका समुद्री सीमा 17 किलोमीटर है। 2015 में इस पर मिलिट्री बेस बनाने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच करार हुआ था, पर सेशेल्स में विपक्षी पार्टियों के आंदोलन के बाद सरकार ने इस करार को रद्द करने की घोषणा की थी। भारत इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,747 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय से पूर्व कराए गए तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किसने पुनः राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसमें आंसर आएगा रजब तैयब एद्रोगेन ने। रजब तैयब एद्रोगेन पिछले 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्य एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेक्टर में सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा सिंधु दर्शन महोत्सव जम्मू कश्मीर के लद्दाख में मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र 12 साल 10 माह और 13 दिन की आयु में दुनिया के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास किसने रचा? तो इसमें आंसर आएगा भारत के आर प्रज्ञानंद ने। और यह भारत का सबसे छोटा ग्रैंड मास्टर है और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे छोटा ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी ग्रैंड पिक्स 2018 में जीत दर्ज की है? तो इसमें आंसर आएगा फ्रांसीसी ग्रैंड पिक्स 2018 में लुइस हैमिल्टन ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हेल ओपन 2018 का पुरुष खिताब जीता है? हेल ओपन टेनिस से संबंधित है और हेल ओपन 2018 का खिताब बोर्ना कोरिच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 16,000 पेड़ काटने पर उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई तक रोक लगा दी है? तो इसमें आंसर आएगा दिल्ली में। दक्षिण दिल्ली की 6 कॉलोनियों में सरकारी आवास बनाने के लिए करीब 16,000 पेड़ काटने की योजना के खिलाफ हाईकोर्ट ने 4 जुलाई तक रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश की यात्रा के दौरान जैव प्रौद्योगिकी और नवीनीकरण ऊर्जा के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा क्यूबा देश के दौरे के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में मेट्रो रेल प्रणाली के लिए मानक तय करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो रेल प्रणाली के लिए मानक तय करने के लिए मेट्रो मैन ई श्रीधरन की अध्यक्षता में एक समिति गठन करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित आईफा अवार्ड्स 2018 में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसमें आंसर आएगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को मिला है और इनको यह अवार्ड हिंदी मीडियम फिल्म के लिए मिला है, और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को मोम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने देश में लागू आपातकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसमें आंसर आएगा 3 महीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का सिर्फ कितने प्रतिशत खर्च करता है? तो इसमें आंसर आएगा भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने महिला चालकों पर से प्रतिबंध हटाकर उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाला दुनिया का आखिरी देश बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायाधीश की रिटायरमेंट के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामलों के आवंटन के लिए नया रोस्टर जारी किया है? तो इसमें आंसर आएगा जस्टिस जे चेलमेश्वर के रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर हुई मूसलाधार बारिश में 3 लोगों की मौत हो गई और कई कारें जमीन में धस गई? तो इसमें आंसर आएगा मुंबई में हुई जोरदार बारिश से। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए एक क्विज है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के साथ तिब्बत को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन का निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस है भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।